नमस्कार, आप देख रहे हैं इनखबर.in का फेसबुक लाइव। हम फेसबुक लाइव में बात करें भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो क्रिकेट जगत के किसी भी एरिया से आता हो या किसी भी देश से आता हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार पूरे दुनिया के फैंस को होता है, क्योंकि इस मुकाबले का रोमांच ही इतना ज़्यादा होता है कि सब इसका इंतजार करते हैं। तो इसी मुकाबले पर बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष। तो आशीष, बात की जाए अगर मैच को लेकर, तो मैच का टॉस हो चुका है, वहीं बारिश को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी, तो बादल हट गए, बारिश भी हटी, टॉस भी हुआ, अब जो टीम है वो बाहर आ चुकी है, अब नेशनल एंथम होगा दोनों टीमों का। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, आप टीम को लेकर क्या बता, टीम को लेकर अपडेट क्या है, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क टीम इंडिया पर लगा था वो ये लगा था कि जो शिखर धवन है, हमारे जो चोटिल हो गए उनको 3 हफ्ते के लिए बाहर रखा, आईसीसी ने उनको आराम फरमाने के लिए कहा, तो उनकी जगह टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर किसको लाया गया, क्योंकि ऋषभ पंत को भी बुलाया गया था। देखिए, मैं जिस तरीके से आपको उस दिन बताया था मैंने अभिषेक कि दो नाम हैं, दिनेश कार्तिक और विजय शंकर, और विजय शंकर को आज टीम में शामिल किया गया है क्योंकि बतौर विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी पहले से ही टीम के अंदर है और विजय शंकर एक ऑलराउंडर है, तो भारत को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पक्ष में इसका लाभ मिलेगा। विजय शंकर आज आए हैं, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी भी करेंगे और इससे पहले भी उन्होंने अपना खेल दिखाया न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने खेल अपना प्रदर्शन किया था, आईपीएल में भी अच्छे तरीके से खेले, तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। वहीं ओपनिंग की बात की है तो रोहित शर्मा के साथ मैं बता रहा हूं, जैसे आपको काफी दिनों से कि केएल राहुल आज ओपन करते नजर आएंगे। तो जैसे टीम को लेकर बात किया है, वो तो इंग्लैंड का दौरा था जहां विजय शंकर ने काफी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था, तो जो वर्ल्ड कप का माहौल होता है उसमें दबाव जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव होता है, तो मेरा सवाल ये आपसे कि विजय शंकर जब आज टीम में खेलेंगे तो जो दबाव है वर्ल्ड कप का उसको झेल पाएंगे। एक सबसे बड़ा दबाव यहाँ पे वो ये है कि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, तो ये सबसे बड़ा किसी भारतीय क्रिकेटर पर ये दबाव सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि जो फैंस है उनकी सबकी निगाहें इंडियन टीम पर टिकी होती है, इसमें 130 करोड़ जो आवाम है वो इंडियन टीम पर उनकी निगाहें हैं, तो ये भी देखा सबसे बड़ा दबाव, तो आप क्या लगता है दबाव में निखर के सामने आ पाएंगे? देखिए अभिषेक, जाहिर है कि दबाव तो होगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाई वोल्टेज मैच रहता है, सभी की उम्मीदें सभी की आशाएं इस मैच से बनी रहती हैं, ताकि भारतीय जो जितने समर्थक हैं वो भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन बतौर क्रिकेटर किसी खिलाड़ी पर इतना दबाव नहीं होता क्योंकि वो इतना क्रिकेट खेल के आ चुके होते हैं अपने पहले एरा में, तो उनको इतना ये सब मानसिकता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत दबाव रहता है लेकिन इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि क्रिकेटर के लिए चाहे वो टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का हो या कोई बायलैटरल सीरीज हो, हर मैच एक खास है, हर मैच नया है, दबाव हर मैच में होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जितने दबाव में बल्लेबाज खेलने आता है या गेंदबाजी करता है वो उतना ही ज्यादा निखरता है। अगर बात की जाए आज के मुकाबले को लेकर, तो आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में जो गेंदबाजी है वो ज्यादा निखर के सामने आएगी, किसी दोनों टीमों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या इंडिया हो, या आज जो पिच है वो बैटिंग और जो बैट्समैन है उनको सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं अभिषेक कि दो या एक दिन पहले बारिश हुई, शुरुआती ओवर में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी भारतीय टीम को क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीता है और गेंदबाजी कर रहा है, तो भारत पहले बल्लेबाजी करने आएगा, तो शुरुआत के 2 या 4 ओवर में भारत को थोड़ी बहुत दिक्कत फेस होंगी, लेकिन उसके बाद जब समझ जाएगी सलामी जोड़ी राहुल और रोहित की, तो अच्छा स्कोर बनने की उम्मीद है, फ्लैट पिच है, लंबा स्कोर बनेगा, 300-350 करना चाहेगा भारत और पाकिस्तान में दबाव बनाना चाहेगा, और इसका आपको फायदा मिलेगा क्योंकि भारतीय टीम में जो गेंदबाज हैं वो काफी शानदार हैं, तो इसका आप देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह है, कुलचा है और भुवनेश्वर कुमार है, टीम को लाभ मिलेगा क्योंकि टीम इंडिया का जो बल्लेबाजी क्रम है वो मौजूदा समय में विश्व का सबसे अच्छा बैटिंग साइड है। वही बैटिंग की बात की जाए तो विराट कोहली के नाम आज सबसे एक काफी बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है, वो रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं ये है कि विराट कोहली अपने 11,000 रन से केवल 57 रन दूर है, तो आप कह रहे थे विराट कोहली के लिए आज वो समय अनुकूल है कि वो 57 रन बनाकर 11,000 का जो टारगेट है उसके पास पहुंच पाए? डेफिनेटली अभिषेक, आपको पता ही है क्योंकि विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप, वो जो सेंचुरी लगाई थी विराट कोहली ने, तो कोशिश आज कोहली की यही रहेगी और मुझे लगता है जिस तरीके फॉर्म से गुजर रहे हैं कोहली, तो यह कार्य उनके लिए ज्यादा नामुमकिन नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात जैसे हम देख सकते हैं हमने टीवी स्क्रीन पर हमें दिख रहा है कि सलामी जो जोड़ी है वो मैदान पर उतर चुकी है, पाकिस्तान अपने फील्ड को सजा रहा है, तो जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मुकाबला शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है मुकाबला, एक तरीके से कह सकते हैं कि बस पाकिस्तान की फील्ड सेट हो रही है और हमारे जो सलामी बल्लेबाज की जोड़ी है वो सामने आ चुकी है, तो अब देख सकते हैं आप हमारे केएल राहुल पहली बॉल जी राहुल स्ट्राइक ले रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, केएल राहुल आज काफी समय बाद वनडे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दबाव होगा, लेकिन जिस फॉर्म से वो गुजर रहे हैं तो वो दबाव 2 या 3 कवर ड्राइव आएंगी राहुल की वैसे ही हट जाएगा उनके ऊपर से। तो जैसे आपने भी कहा कि बहुत दिनों बाद ओडीआई सीरीज में पहले नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं, वही मेरा सवाल जैसे विजय शंकर को लेकर था कि पाकिस्तान के सामने इतना बड़ा मैच, इतनी पूरी आवाम जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं तो दिखता हुआ नजर आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रेशर रहेगा हर खिलाड़ी पर रहेगा, इंडिया टीम के खिलाड़ियों पर रहेगा, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी पर रहेगा, हर बॉल पे प्रेशर
प्रेशर रहेगा, लेकिन जिस तरीके से गेम आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर रिलीज होता जाएगा, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच में बनी रहेगी। जी हाँ, हम भी यही आशा करते हैं कि जो प्रेशर है वो सभी खिलाड़ियों को बना रहे और प्रेशर और दबाव में वो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं। बिल्कुल, और कोई अनहोनी या कोई चूक ऐसी न करे जिससे भारतीय टीम को नुकसान हो। हम भी चाहेंगे भारतीय टीम आज जीते, मुकाबला पूरा हो, मैच को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, टीमें उतर चुकी हैं मैदान पर, अभी मुकाबला शुरू हो चुका है, मुकाबले को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल इन खबर पर। धन्यवाद।